नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ऑटम 2018 क्वेश्चन नंबर 2 बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड। इस सवाल की वेटेज थी आपकी 11 नंबर्स की, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी था। इसके हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। तो इसके हमें एक टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है, तो वही आपका सी एस रेशियो से ये होगा, सी एम रेशियो, सी एस रेशियो। क्वेश्चन में कह रहा है कि बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर का कोई बजट वगैरह बना रहा होगा। बीपीएल इज करंटली ऑपरेटिंग एट 70% ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, सही है। द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सही है। कह रहा है द समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ द लेटेस्ट ईयर इज एज फॉलोस। लेटेस्ट ईयर में इसके पास क्या है, सेल्स दी हुई है 567 मिलियन की, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 400 मिलियन की, इसमें 60% वेरिएबल है तो 40% आपकी फिक्स्ड होगी। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40% वेरिएबल है तो 60% इसके फिक्स्ड होंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रहा है, टैक्स आपको दिया हुआ है 25% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 90 मिलियन का। तो यहाँ से मैं एक डिजायर्ड प्रॉफिट इसका निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा 36 मिलियन जो इसका दिया हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए। डिजायर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कह रहा है कि मुझे लेटेस्ट ईयर का टैक्स कितना है, लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ रहा है 90 मिलियन का, और ये नेक्स्ट ईयर चाह रहा है 36 मिलियन, इंक्रीज बाय 36 मिलियन, तो आपके पास आ गया ये 126 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको मैं नेट ऑफ टैक्स करूँ तो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होगा, तो नेट ऑफ टैक्स करने के लिए मुझे इसको 75% से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टैक्स रेट जो गिवन है वो 25% है, तो अगर ये मेरा 75% इसको मैं अज्यूम करता हूँ तो मेरा 75% डिवाइड करूँ तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 168 मिलियन। तो ये मेरा एक डिजायर्ड प्रॉफिट है। आगे सवाल पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या इसने गिवन है। इसने यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट की बस ये चीजें दी हैं, बाकी देखते हैं नीचे से कुछ गिवन है। कह रहे द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वुड बी फॉलोइंग आर द मेजर अजम्पशन पोजीशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर बजट। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वुड बी इंक्रीज बाय 8%। However, to avoid any adverse impact of the price increase, 10% discount would be offered to the large customers who purchase about 30% of total sales. मतलब इस sales का जब मैं 8% increase कर दूंगा, उसके बाद में 30% sales ऐसी होगी जो मैं मेरे major customers को देता हूँ, उनको मैं 10% का discount दूंगा। Additionally, distributor commission would be increased from 2% to 3% of net selling price. Selling price का पहले मैं 2% देता था, वो अब 3% हो जाएगा। फिर ये कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, मतलब आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर 60% और इसके अंदर 40%, इसके अंदर से मैं डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन माइनस कर दूंगा, आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4% से इंक्रीज हो जाएगी। व्हाइल फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%, और जो मैं फिक्स कॉस्ट उसमें से निकालूंगा उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करके उसके ऊपर 5% से इंक्रीज कर दूंगा। डेप्रिसिएशन फॉर द लेटेस्ट ईयर वाज रुपीस 90 मिलियन एंड वुड रिमेन कांस्टेंट, डेप्रिसिएशन आपकी इंक्रीज नहीं होगी। चले पहले मैं इसके अंदर कुछ फिक्स कॉस्ट निकाल लेता हूँ, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट मैं निकालता हूँ, फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी। फिक्स कॉस्ट के अंदर सबसे पहले आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कितनी है 400 मिलियन का 40% आपका फिक्स है, 60 वेरिएबल है तो 40 आपका फिक्स होगा। तो आपने कहा कि 400 मिलियन का जो 40% है वो फिक्स्ड है, तो ये आपका हो जाता है 160 मिलियन। बाकी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 40% वेरिएबल है, 60% जो फिक्स होगा तो 47 मिलियन का 60% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फिक्स्ड है, तो ये आपका बन गया 28.2 मिलियन। ये टोटल कितना आ गया, या क्या बन गया 188.2 मिलियन। सवाल में गिवन था कि अदर देन डेप्रिसिएशन करके मुझे फिक्स कॉस्ट को 4% से बढ़ानी है, तो अगर मैं इसमें 90 मिलियन की फिक्स कॉस्ट फिलहाल माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन की, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा इंक्रीज नहीं होगा, तो मैं अभी फिलहाल डेप्रिसिएशन लेस कर दूं ताकि मैं इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ले सकूं। डेप्रिसिएशन लेस करा तो मेरे पास बच गया 98.2 मिलियन। अब मैंने इसके अंदर
इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना है वो कितना है, जो प्राइस इंक्रीज हो रही है 4% से, तो मतलब 1.04, तो आपके पास ये आ गया, सॉरी कितना है, 1.05 है, फिक्स कॉस्ट आपकी 5% है और वेरिएबल कॉस्ट 4% है, तो 1.05 आएगा ये, 1.05, 5% से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास ये आ गया 103.1। अब मैं ऐड बैक कर दूंगा डेप्रिसिएशन को, ऐड बैक डेप्रिसिएशन वो क्या कितनी थी 90 मिलियन की, तो आपके पास आ गया 193.1। मतलब मेरे पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट, एक अगर टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई और एक आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, दो चीज़ आपके पास आ गई। अब बचा कुछ मेरे पास क्या, अब मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, उसके लिए मुझे इसी डेटा के अंदर से इसको वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे सेल्स निकालनी पड़ेंगी, तो मैं इसका देखा हमारे पास कहीं पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स या कहीं से भी नहीं पता चला, तो मैं इसको पर यूनिट के ऊपर कोई डेटा है ही नहीं है, उसको पर यूनिट पे डिवाइड कर सकूँ, तो मुझे ओवरऑल की बेसिस के ऊपर ही इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो निकालना होगा। तो आपके पास जो सेल्स है, सेल्स आपके पास जो करंट है वो आपके पास है अल्लाह वाला करे 567 मिलियन। अब आपने इसके अंदर प्राइस इंक्रीज करनी है 8% से, सेल्स प्राइस इंक्रीज करी आपने 8% को मल्टीप्लाई कर दिया 1.08 से, तो आपके पास आ गया ये 612.36 मिलियन। अब इसके अंदर ये चीज़ कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपकी सेल्स है ना, इसमें 30% ऑफ टोटल सेल्स है मैं मेजर कस्टमर्स को दूंगा, और मेजर कस्टमर को मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो मैं इसके अंदर डिस्काउंट की अमाउंट एक माइनस करूँ ताकि मेरे पास नेट सेल्स आ जाए। तो मैं डिस्काउंट को माइनस किस तरह करूँ, डिस्काउंट मेरा निकलेगा किस तरह कि मैं 612.36 मिलियन की जो सेल्स है उसका जो 30% है वो मेरा मेजर कस्टमर्स है, और उनको मैं क्या करूँगा 10% डिस्काउंट दूंगा। तो मेरे पास अमाउंट कितनी आती है, ये आती है 18.3708 मिलियन। तो आपके पास जो नेट सेल्स आती है, आपके पास नेट सेल्स बन जाती है इसकी 593.99। अब आपके पास क्या है, सेल्स तो आपने निकाली, अब आपने निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट आपके ऊपर डेटा में गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट एक आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर की है, वो कितनी है आपकी, वो आपके पास है 400 मिलियन का 60% जो आपका यहाँ पर गिवन है, कि 400 मिलियन का 60% वेरिएबल है, 47 का 40% वेरिएबल है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 47 मिलियन का 40% है। तो ये आप दोनों आपकी कितनी ये सेल्स हो गई, ये आपके पास हो गई 240 मिलियन की, और ये क्या हो गई 18.8 मिलियन की, ये टोटल क्या बनती है 258.8 मिलियन। आपके पास ये वाली चीज़ तो बन गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर से डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो माइनस करना है, क्यों, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन से कहा था लेस जो आपने करना है अदर देन, ठीक है, मगर इसने जो कहा है आपको कि डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 2% to 3% ऑफ नेट सेलिंग प्राइस। अभी तक आपने पुराने साल का ही डेटा लिया है इसके अंदर, ये आपके पुराने साल का डेटा है, नेक्स्ट ईयर का ना मैंने इसके अंदर इन्फ्लेशन जो 4% का वो इनकॉर्पोरेट किया है ना कुछ किया है। मतलब मुझे सबसे पहले इसके अंदर यही पुराने साल का ही डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन लेस करना पड़ेगा, लेस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इसके अंदर कितना था 2% ऑफ सेल्स था, सेल्स आपकी पास थी 567 मिलियन की, उसका 2%, तो ये आपका कितना बन जाता है, ये बनता है 11.34 मिलियन। अब इसको लेस कर दूँ तो मेरे पास जो लास्ट ईयर, जो मेरे पास जो ये लेटेस्ट ईयर है, लेटेस्ट ईयर के अंदर जो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट थी अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वो मेरे पास कितनी थी, वो मेरे पास थी 247.46। अब इसने आपको क्या कहा है कि अब इस साल क्या हुआ, इस साल आपकी जो है इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूटर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4%, 4% से इंक्रीज हो जाएगी, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 1.04 इंक्रीज करना है, तो आपके पास ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट कितनी 257
47.36 की। अभी आपके पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट। एक आपके पास अब डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन इस साल की तो नहीं है ना, आपके पास कितनी है 3% है, तो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ऑफ नेक्स्ट ईयर आपके पास कितनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वो आपके पास है 3% ऑफ कितना, जबकि नेट सेल्स है 593.99, तो आपके पास ये कितनी बनती है, ये बनती है 17.82 मिलियन। तो अब इसको हम कैलकुलेट करें इन तीनों को, तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है वो बनता है 318.81 मिलियन। अब मैंने क्या करना बच्चों, मैंने डायरेक्ट सीएस रेशियो निकालना है, इजी है। क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 318.81 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है 593.99। तो आपके पास जो सीएस रेशियो आ गया वो आ गया 53.67%। अब आपके पास जो रिक्वायरमेंट थी सवाल की क्या थी, वो यही थी आपके पास कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ सेल्स आपने निकालनी थी, तो आप सिंपली करेंगे कि आपके पास अमाउंट ऑफ सेल्स कितनी आएगी, अमाउंट ऑफ सेल्स आपने फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जो आपका है जो हमेशा आफ्टर टैक्स ही होगा डिवाइड कर देना है सी एस रेशियो से, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या पी वी रेशियो, जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड इस्तेमाल करें। तो आपके पास ये आ गया 193.11 आपका फिक्स कॉस्ट थी जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 193.11, और आपकी 168 मिलियन का डिजायर्ड प्रॉफिट था। 193.11 प्लस 168 मिलियन का डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 53.67%, सो आपका ये लगभग आ गया कितना 672.83 मिलियन। ये आपका आ गया आंसर पार्ट वन का, पार्ट ए का आंसर। अब पार्ट बी में ये क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है दो नंबर का छोटा सा कह रहा है डिटरमाइन द प्रोडक्शन कैपेसिटी डेट वुड बी यूटिलाइज्ड टू अचीव द सेल्स एज कंप्यूटेड इन ए अबव। अब वो कह रहा है कि आप कैपेसिटी बताओ कि कितनी वो होगी। अब इसके एक ही तरीका है इसके अंदर, वो ये है कि आपके पास जब ये वाली सेल्स थी 567 मिलियन, जबकि 567 मिलियन थी तो ये 70% रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब अगर उसको डिवाइडेड बाय 70% करूँ तो मतलब मेरे पास जो टोटल गुंजाइश है वो 810 मिलियन की मैं प्रोडक्ट बना के सेल आउट कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी कैपेसिटी थी टोटल। बट मैं इस डायरेक्ट जो आपके पास ये 672 मिलियन जो आया है, जो आपका 672.83 मिलियन आया है, मैं इसको आ गई आपका जो सवाल था 567 का। अब इसके अंदर हम सिंपली ये करते हैं, होल्ड या तो मैं इसके अंदर जो यहाँ पे 567 मिले उसके अंदर भी वही प्राइस इंपैक्ट जो है वो ले लूँ, या मैं इसके अंदर से जो 672 मिलियन आपका निकला है इसके अंदर से वो डिक्रीज कर दूँ। मैं चला 672 मिलियन में से उसको डिक्रीज करता हूँ। अब ये जो आपका आंसर आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर कोई इसके अंदर आपको इशू हो समझ में ना आया हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, आपकी क्वेरीज रेज कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। अपना ख्याल रखें।